है गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल सो गाइज़ क्या होता है ना कभी कभी जब ठंड का सीज़न चालू हो ऊपर से बारिश भी चालू हो ऊपर से धूप ना निकल रही हो तो इस मौसम में ना क्या क्या चीज़ें आपको खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है आप मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मुझे भी पता लगे यार अच्छा ये सारी चीज़ें भी बारिश में अच्छी लगती है क्या फिर मैं भी इसको डेफिनेटली ट्राई करूँगी अपने घर पर बट गाइज़ जब ठंड हो ना ऊपर से हो बरसात तो बहुत लोगों का मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को बहुत ज़्यादा दिल करता है पकोड़े खाने का राइट बट मैंने भी आज सोचा था कि मैं पकोड़े बनाऊंगी बट गाइस क्या हुआ कुछ सामान है ना पूरा ही नहीं था पकौड़े बनाने के लिए तो पहले तो मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था बट फिर मुझे याद आया हमारी सीरीज ऑन है तो जिसके अंदर हम कुरकुरु को यूज़ करके पकौड़े बना सकते हैं तो देखो मैंने कितने कितने अच्छे तरीके से पकौड़े बनाए हैं मैं आपको भी सिखाती हूँ आप ऐसे डेफिनेटली ट्राई करना और जो सिंपल पकौड़े हैं ना उनसे तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ठीक है तो इसको ट्राई ज़रूर करना तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया एक कटोरी के अंदर ना मैंने थोड़ा सा मैदा कॉर्नफ्लोर ये पिज्ज़ा सॉस अदरक लहसुन का पेस्ट और ये और चिली फ्लेक्स डाल के ना मैंने एक ना ऐसे ही मिक्सचर सा तैयार कर लिया अब देख लो ये ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए बस ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ठीक है उसके बाद गाइज अब क्या करना आपके पास अगर एक कुरकुरे का पैकेट है तो आप ना कुरकुरे के पैकेट को मिक्सी में डालो उसको मिक्स करो अच्छे से जब तक वो पूरी अच्छे से ग्राइंड नहीं हो जाते और उसके बाद गाइज़ आपके पास एक ओनियन होगा एक ओनियन को है ना रिंग्स की फॉर्म में काटना आप जैसे बड़े बड़े होटलों में नहीं काटते हैं ऐसे रिंग्स की फॉर्म में ठीक है वैसे काटना और गाइज ऐसे करने के बाद ना पहले अपने ओनियन को भिगो मैदे वाले मिक्सचर में फिर उसके बाद कुरकुरे से उसको अच्छे से कोट कर देना अच्छे से मतलब कुरकुरे बनने चाहिए ना कुरकुरे मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी से बनने चाहिए तो इसके लिए आपको ये वाला प्रोसीजर दो तीन बार दोहराना पड़ेगा तो मुझे पता है ये थोड़ा सा <laughs> क्या होने वाला है भाई थोड़ा मुश्किल होने वाला है मुश्किल तो नहीं खैर पर ये है कि थोड़ा बोरिंग होने वाला है ये दो तीन बार करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं अपने टी वी पर गाने चलाओ पंजाबी गाने इतने मस्त मोस्ट सारे हैं ना आजकल तो टीवी पे वो सुनते सुनते आप अपने रिंग्स बनाओ और गैस जब ये आपके तैयार हो जाए ना इसको करो फटाफट से डीप फ्राई और गैस डीप फ्राइड है ना करते करते आराम से करना अपनी उंगली मत साड़ लेना पिछली बार की तरह मैंने आपको बताया था मेरे साथ क्या हुआ था तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखिए तो कोई बात नहीं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वो देखना ज़रूर और चेकआउट करना है उसके अंदर कि क्या मेरी हालत हुई थी ठीक है तो चलो इसको मैंने कर दिया अच्छे से डीप फ्राई और गैस जब तक तो ये डीप फ्राई हो रही है ना इनको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे आप डीप फ्राई करना ताकि जले ना अगर जल जाएंगे ना तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगेंगे आराम से फ्राई करना बिल्कुल ठीक है और गैस फिर इनको निकाल लो एक प्लेट के अंदर जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसके बाद गैस आप ऊपर से डालो थोड़ा सा चाट मसाला क्योंकि बिना चाट मसाले के तो भाई पकौड़ों में टेस्ट ही नहीं आता आप भी अगर ऐसे हो ना तो मुझे बताओ कमेंट्स में और गैस मैं इसको सर्व करूँगी थोड़े से कैचअप और मेरी के साथ और गैस आप इसको ट्राई ज़रूर करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा ईजी है और गाइज चैनल को सब्सक्राइब किए मेरा मत जाना प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड लाइक करना एंड शेयर